नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पांच टैक्स सेविंग आइडियाज़ जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, और ये अगर आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग में तो आप ज़्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला तो है नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम में तीन तरीके हैं टैक्स सेव करने के। पहला जो तरीका है उसमें आप सेक्शन 80C में एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें 1,50,000 तक का कॉन्ट्रीब्यूशन में आपको टैक्स सेविंग होती है। बट ये वाला जो सेक्शन है सबको पता है, क्योंकि इसमें आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, लाइफ इंश्योरेंस के पेमेंट्स, ईएलएसएस के पेमेंट्स, ये सब के डिडक्शंस भी ले सकते हैं, राइट? तो ये वाला इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर यू। बट इसमें एनपीएस में दो और ऑप्शंस है टैक्स सेविंग के। तो पहला तो है अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है फ्रॉम योर सीटीसी ओनली, आपको अलग से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा वो, फ्रॉम योर सीटीसी ओनली, इफ योर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट्स टू एनपीएस अप टू 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी इज अलाउड एज अ डिडक्शन, राइट? तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपीज़ है तो 10% का कंट्रीब्यूशन विच इज़ 10,000 रुपीज़, अगर आपका एम्प्लॉयर 10,000 रुपीज़ एक साल में कंट्रीब्यूट करेगा एनपीएस में तो वो 10,000 की डिडक्शन आपको मिलेगी, राइट? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो एंड टॉक टू योर एम्प्लॉयर एंड टेल हिम कि आई वॉन्ट यू टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एनपीएस, एंड यू कैन पुश हिम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एनपीएस। बेसिकली एम्प्लॉयर्स कैन डू इट, ऑलमोस्ट ऑल एम्प्लॉयर्स कैन डू इट, दे आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ लेजीनेस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है सेक्शन 80CCD 1B, जहाँ पे 50,000 रुपीज़ की कॉन्ट्रीब्यूशन आप अपने खुद के जेब से वॉलेंटरीली करेंगे तो आपको उसका भी डिडक्शन मिलेगा अप टू 50,000 रुपीज़ एवरी ईयर। नाउ यू हैव टू नोट अ कपल ऑफ थिंग्स। पहली बात तो है ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन जाना चाहिए टीयर वन अकाउंट में, राइट? तो आपको ध्यान रखना है कि टीयर वन अकाउंट में आपको ये सारा कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। उसके अलावा ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो टू कीप इट सिंपल, मैक्स आउट इक्विटी, इक्विटी को आप 75% पे रख लें और गवर्नमेंट बॉन्ड्स को 25% पे रख लें, यू आर सॉर्टेड, राइट? देन वॉट एल्स कैन यू डू? तो ये जो 50,000 का कंट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स, आप ये एनपीएस के वेबसाइट पे जाके क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। इट्स अ लेसर नोन सीक्रेट दैट मोस्ट पीपल डोंट नो। सो वॉट यू शुड डू इज इफ यू हैव सम क्रेडिट कार्ड एंड यू वॉन्ट टू मैक्स आउट रिवॉर्ड्स, यू कैन जस्ट यूज दिस बेनिफिट टू डू दैट। आई हैव डन अनदर वीडियो ऑन एनपीएस, उसका लिंक मैं ऐड करता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर यहाँ पे भी ऐड करता हूँ। सो यू शुड टेक अ लुक एट इट एंड लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट, राइट? हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पेरेंट्स एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, राइट? तो बेसिकली आपको अगर आप 60 ईयर्स के नीचे के हैं तो 25,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलता है इफ़ यू हैव बॉट एनी हेल्थ इंश्योरेंस, राइट? उस 25,000 में अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जाम्पल कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट है 20,000 रुपीज़ ओनली, बट आपने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है तो अप टू 5,000 रुपीज़ का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन भी मिलता है। सिमिलरली फॉर पेरेंट्स, इफ योर पेरेंट्स आर लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड देन यू गेट अप टू 25,000 डिडक्शन, एंड इफ दे आर मोर देन 60 ईयर ओल्ड यू गोट ए 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन। नाउ वॉट यू हैव टू मेक श्योर इज अगर आपका पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं तो उस डिडक्शन में, उस पॉलिसी में आपका नाम प्रपोजर की तरह एडेड है। आपका नाम प्रपोजर होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रपोजर नहीं है तो आप वो डिडक्शन नहीं ले सकते। तो आप चेक करें कि अगर आपके पेरेंट्स के पॉलिसी में आप प्रपोजर नहीं है, कोई और प्रपोजर है और जो प्रपोजर है वो टैक्स बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर टू चेंज द प्रपोजर टू योर सेल्फ। येस, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, तो आप इसको ज़रूर कराएं। नेक्स्ट माई फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी यू नो हिडन बेनिफिट विच मोस्ट पीपल डोंट नो। आपको जो सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है, वो जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है, राइट? नाउ देर इज़ अ डिडक्शन अवेलेबल ऑन दिस इंटरेस्ट ऑल्सो। सो अप टू 10,000 रुपीज़ अंडर सेक्शन 80TA, अप टू 10,000 रुपीज़ फॉर अ पर्सन हु इज़ लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड, उनको 10,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलेगा। तो आपका, आप देखेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल में अभी सेविंग्स अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट आता है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, राइट? तो आपको मेक श्योर करना है कि ये डिडक्शन आप ज़रूर लें, 10,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। बट अगर आप सीनियर सिटीजन है तो बेनिफिट इज़ इवन मोर, क्योंकि इसमें आपको एक तो 50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलेगा, सेकेंडली ये डिडक्शन आपको फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट पे भी मिलेगा, राइट? नॉट जस्ट सेविंग्स अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट इफ इट यू आर लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड, सेविंग्स प्लस फिक्स डिपॉजिट इफ यू आर मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड। सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक दिस बेनिफिट इन योर ओन इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड इन योर पेरेंट्स इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो ये जो पेरेंट्स का इनकम टैक्स रिटर्न वाला बेनिफिट है वो सेक्शन 80TTB में आएगा अप टू 50,000 रुपीज़, सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक इट। लास्टली फ्रेंड्स, वॉट यू शुड डू इज ये जो आपके एम्प्लॉयर की जो सैलरी स्ट्रक्चर होती है इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे रीइंबर्समेंट्स होते हैं। देर इज HRA रीइंबर्समेंट, देर इज फूड रीइंबर्समेंट, देर इज ट्रैवल रीइंबर्समेंट, फ्यूल रीइंबर्समेंट, ड्राइवर अलाउंस, देर आर प्लेंटी ऑफ अलाउंसेज, राइट? सो ऑल ऑफ दीज अलाउंसेज आर पार्ट ऑफ योर सैलरी, बट वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट सबमिट बिल्स अगेंस्ट दीज अलाउंसेज टू टेक अ डिडक्शन, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ फ्यूल अलाउंस ऑफ से 1,500 रुपीज़ पर मंथ, तो ऑल यू नीड टू डू इज आइदर at the end of the year or you know during the year at any time make sure that you submit bills for 1500 rupees for each month, so total submission should be for 18,000 rupees। agar aap ye bill submit kar denge to aapko iska
टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो स्ट्रेट अवे यू आर सेविंग 18,000 इंटू 30% विच इज़ 5,400 रुपीज़, राइट? तो मेक श्योर दैट यू टेक अ लुक एट योर CTC स्ट्रक्चर अगेन, टॉक टू योर एम्प्लॉयर, टेक अ लुक एट द टैक्स डिक्लेरेशन पोर्टल एंड देन मेक श्योर दैट यू टेक ऑल दीज बेनिफिट्स, बिकॉज बाई टेकिंग ऑल दीज बेनिफिट्स यू विल बी एबल टू सेव इनफ टैक्सेस विच विल हेल्प यू यू नो यूज सरप्लस मनी आइदर टू इन्वेस्ट और स्पेंड इट ऑन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी लाइक ट्रेवल और यू नो एनी परचेज। सो फ्रेंड्स, इफ यू एन्जॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो टेल मी कि आपको और कौन से टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं और मुझे कवर करने चाहिए। मैं फ्यूचर वीडियोज़ में जरूर कवर करूँगा। थैंक यू।